नमामि नद्यानाथं श्रीनिगमानंद विग्रहं हंसं परम पूर्वाख्यं सरस्वत मठेश्वरं सौ आठतम सार्वभौम भक्त सम्मेलनी मध्यमणि श्री श्री ठाकुर महाराज रात्रु चरण में अनंत कोटि प्रणति। आज द्वितीय दिन अंतरंग सभार प्रतिनिधि सभापति हिसाब से सभापत्य कर आसाम बंग सारस्त मठर पूज्यपाद महंत महाराज श्रीचरण में प्रणति मंचासीन समस्त सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद आसाम बंग सारस्त मठर ट्रस्ट बोर्ड सदस्य वृंद प्रत्यवधायक समितिर सभापति महंत महाराज सचिव निरंजन भाई उपस्थित समस्त विभाग सदस्य सहसभापति जिला सदस्य वृंद एवं समस्त भाई एवं माँ माने एसहित यही अंचल उपस्थित या भक्त सम्मेलन समस्त आगंतुक मान मोर अंतर जय गुरु प्रीति संभाषण ज्ञापन करुच्छे। आज भावनिमय पर्याय प्रकृत ये जो विराट दुई वर्षर गोटे गैप दुई वर्ष आम कोरोना महामारी सकाशे संक्षिप्त भाव में विधिरक्षा भाव में भक्त सम्मेलन अनुषित होता श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा पुणे आउ थे जिते बड़े करोनार गोटे भारी आम मान भयभीत करमती गोटे सन्धिस्थल आम यही शहे आठतम सार्वभौम भक्त सम्मेलन अनुषित एवं हो भक्त सम्मेलन महासिंधु प्रकृत में गोटे बिंदु भाया मु निजक हजिगला भाई अनुभव कर गोटे नदीर जलबिंदु जितेबले समुद्र में मिशि जाए से तार अस्तित्व आ खोजी पाए ना महासमुद्र भितर एवं जितेबले फुलर हार टीए गुंथा सरी जाए से हार भितर थी फूल टीए सी तार अस्तित्व खोजी पाए ना जे से कौटू तोलाइक आसाला बोली कारण फूल हार भितर तार सत्ता को हजाई दिए बची थाए जेते रुटी या सरी जाए से गहमर दाना टीए ता भितर तार से अस्तित्व खोजिक पाए ना जे मोर सृष्टि कौटी बोली कारण से रूप नहीं सारी थाए गहमर दाना जो रुटी रूप निए से रुटी भितर तार अस्तित्व से खोजी पाए ना सेमती आम जो भक्त आदर्श गृहस्थ हिसाब से निजर गृहासन ठाकुर को वंदन पूजन अर्चन करी अंतर लाभ करने साधारण संकल्प नहीं जितेबाला संघरे योगदान करूँ और संघर गोटे विराट रूप ये भक्त सम्मेलन में योगदान करूँ से निजर अस्तित्व हजे बसाइप पड़े ठाकुर भाव में ठाकुर प्रेम कितु गोटे कथा मोर ये मन पड़ी ठाकुर बाबा भुवन मोहन भट्टाचार्य नलिनीकांत को कही ठाकुर पूर्वाश्रम ठाकुर कही नलिनीकांत को जे देख ब्राह्मणर तीनटा फुं ब्राह्मण तीनटा फुं अर्थात गोटे फुं चूली फुंक अर्थात रंधन कार्य करेंगे ब्राह्मण हेले जीविका निर्वाह कर आउ गोटे फुं शंख फुंक अर्थात देव कार्य कर पेट पोष जीविका निर्वाह कर शेष फुंटी हूँ कर्ण से मंत्र प्रदान कर मंत्र फुंक शिष्यर कान भक्तर कान श्री श्री ठाकुर महाराज नलिनीकांत परवर्त पर्यायर से ही शेष फुं कार्यटी को आपणा नहीं शिष्य भक्त मान कान मंत्र फुंक से मैं पर ठाकुर ग्रहण करते भुवन मोहन भट्टाचार्य नलिनीकांत को आउ गोटे उपदेश देते बहुत अवसर से गृहस्थर चूली झिंका पड़ी तीनटा झिंका गोटे चूली रोचे तीनटा झिंका चूली जदि तीनटा झिंका न था अर्थात तीनटा मुंडिया बाहरी थाए तो गोटे हाँ तापर बसी पार एवं रंधन कार्य समाप्त हो सेमती गोटे आदर्श गृहस्थ हाँपी गले गोटे सुगृहस्थ हाँपी गले तीनटा झिंकार आवश्यकता रही अर्थात कर्म ज्ञान एवं भक्ति से कर्मटी हूँ सेवा गोटे गृहस्थ तार आश्रम जदि से सेवापरायण हम निष्काम भाव सेवा कर परिजन ज्ञानपूर्ण भाव ज्ञानपूर्वक
अर्थात गृह निज गुरु को निजर इष्ट को स्थापन कर गृहर कर्ता रूप जदि से जीवन जापन कर जीवन पूर्ण हम एवं भक्ति प्रेम करेंगे भल पाइब ठाकुर कहले मत भल पा तेनाली आज ठाकुर आश्रित होचे निश्चित भाव में ठाकुर कि कृपानुभूति आम निज जीवन अनुभव करे निज जीवन आम लाभ करे महंत महाराज खाली कहते सुंदर भाव में आम आलोचना होता आम महाराज अपरवान महाराज सुंदर भाव वर्णना करुते महंत महाराज से रिपीट कर गोटे सुंदर कथा जे जो एगार जन भक्त को नहीं भक्त सम्मेलन होता सात जन होंगे आम अंतकरण है चारज हूँ दुई बाहू और दुई हाथ कहते सुंदर कथा ये कथा ये भक्त सम्मेलन आम शिक्षा ग्रहण करुचे एवं ठाकुर जो पाखु आम आसीचे कौन पर आसीचे निश्चित भाव में आम कि गोटे लक्ष्य नहीं आसीचे ठाकुर गोटे जगह कही तुम्हें मो निकट को लक्ष्य स्थिर कर आस मु तुम मान लक्ष्य स्थिर करदेवी तार साधना लक्ष्य प्राप्तिर उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिर मार्ग मुझ तुमको देखेदेवी आजे यदि लक्ष्य स्थिर कर पार्च मो पाख आस मु तुम लक्ष्य स्थिर करदेवी अर्थात निजे लक्ष्य स्थिर कर आस मु से लक्ष्य प्राप्तिर उद्देश्य केमी प्राप्ति हे से बाट बतईदेवी आदि निजे लक्ष्य स्थिर न कर तुमको लक्ष्य दौची तुम्हें से लक्ष्य पथ से ही साधन मार्ग में जाओ अर्थात आम गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं ठाकुर आसीचे ठाकुर आमको गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य धरती से लक्ष्यटा है कौन ना आम कमी ठाकुर को अंतर लाभ करवा कमी ठाकुर को आम अंतर प्राप्ति करवा निजर स्वरूप ज्ञान लाभ करवा से उद्देश्य नहीं आम एटी आसीचे ठाकुर संगभुक्त होचे देखूँ आम ये जो ठाकुर को भल पाया भितर आम निष्काम भाव में ठाकुर को अंतर उपलब्धि करने निष्काम भाव में संसार रहीकि संसार कार्य करी ठाकुर को अंतर उपलब्धि कर आध्यात्मिक उत्तरण करने आम ठाकुर सदगुरु आश्रित होचे कितु तारी भितर बेले बेले जेहेतु आम संसारी आम मान भितर गोटे गोटे इच्छा सृष्टि हो जाए कामना सृष्टि हो जाए और ठाकुर कृपा कर पूर्ण कर दिखती मोर ये मन पड़े दुई दिन तलर कथा ठाकुर केमी भक्त सम्मेलन बांछाकल्पतर क्षेत्र ठाकुर बांछाकल्पत रूप विराजमान करवास दिन आम निमाय भाई कथा होलु आम जे गृहस्थ सन्यासी भक्त मैंने ठाकुर आरती कर माँ मैंने महिला सब रात आरती करती कहीं गृहस्थ भक्त मैंने तो कहीं आरती करना ये निमाय भाई गोटे प्रसंग उठेले आम से विषय कथा कहते ठाकुर जदि कृपा हम हे तो केवे गृहस्थ भक्त ठाकुर सार्वभौम सम्मेलन मंच में पूजा करपारती अति आश्चर्य दुई दिन तले कथा होती ये मंच पाखे कथा होना ना आम अन्नपूर्णा भंडारे ठाकुर सेवा लिस्ट तैयारी होता है पूजा अर्चना लिस्ट तैयारी होता है से समय देखते महंत महाराज हठात का घोषणा कले प्रसाद पन्ना भाई पूजा आरती करेंगे निश्चित भाव शुद्ध इच्छा एवं कौन सी आम आलोचना भितर कि गोटे सामंजस्य ठाकुर कृपा अच्छी केवल आशार बाहर जो सार्वभौम भक्त सम्मेलन मंच उपर जो गृहस्थ भक्त पूजा अर्चना करेंगे दुई दिन तलर आलोचना ठाकुर आम आलोचना ये रूप दे आउ गोटे कथा मोर मन पड़ू ये जो नियम पंचक सप्तान कथा से जिला सदस्य थाए भक्त मान घरे घरे बुल नियम पंचक सत विधान संघ में सब भक्त मान गोटे आंदोलन कला भाया ढेकाना जिला और अनुगुल जिले में थाए और दिने रात्रि हटात देखुची गोटे स्वप्न जे गोटे सुंदर कुड़ियाटे गोटे गोटे नड़ार कुड़ियाटे सुंदर भाव में विराट बड़ कुड़िया एवं ठाकुर बस ज्ञानगुरी विग्रह जो चकामाड़ी ठाकुर बसिच ज्ञानगुरी विग्रह उच्चता हूँ प्राय 10-15 फुट हाइट उच्चता विराट बड़ चेहरा एवं से मत देखिकी कहते स्वप्न देखिकी कहते नियम पंचक प्रचार कर नियम पंचक विषय प्रचार कर नियम पंचक प्रचार कर मनित भांगीगला से जो ठाकुर विराट चेहरा मुझे दर्शन कली सौम्यकांत चेहरा एवं से जो स्वप्नानुभूतिर निर्देश अपना विश्वास करेंगे नहीं दीर्घ दुई तीन दिन धरी शरीर भितर से भाइब्रेसन रहा शरीर खाली कंपुता है से स्वप्नानुभूति मन पड़े शरीर रोमांच सृष्टि होता है से ही नियम पंचक पालन भितर कि शक्ति रही कि माधुर्य रही कि आध्यात्मिक रहस्य रही तत्व रही आम मान समस्त प्रकार पंचरण मुक्त करोभली भाव में आम आध्यात्मिक उत्तराण दिगे जावा निजर जन्ममरण चक्र आम कि उधार लाभ करवा से ठाकुर सुंदर भाव में खचिदेन प्रक्रियाटा आम तार गुरुत्व आम बुझीपुना और से जो रूपटा मुझे देखिली मुझे स्वप्न में गुरुदर्शन सत्य एत बड़ चेहरा कौन सतरे संभव एवं ये सन्देह मोर से जो मन में प्रश्न था दीर्घ दिन पर गोटे बह पढ़ी अमृत लोक ज्ञानगंज ज्ञानगंजार अमृत लोके जो हिमालय जो ऋषि संघ अच्छी हिमालय जो ज्ञानगंज अच्छी से ज्ञानगंजे 5000-7000 वर्ष तल महापुरुष मैंने सीधा शरीर सूक्ष्म शरीर अवस्थान कर
ଏବଂ ସେଠିକି ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 10 ଫୁଟ୍ 15 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ସମନ୍ୱୟ କଲି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଲି ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳଦେହ ରକ୍ଷା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଋଷିଦେହ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଲେ ପୁଣି ଠାକୁର ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାକୁର ତୁମ ଋଷି ସଙ୍ଗରେ ତାମାନେ ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦୃଢ଼ତର ହେଲା ଯେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନମଧ୍ୟରେ ଋଷି ସଂଘର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଋଷି ଦେହକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କାରଣ ସେଇ ଋଷି ସଂଘର ସେଇ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଚେହେରା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀରର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 5,000, 3,000, 2,000 ବର୍ଷ ତଳର ସେଠି ମହାଭାରତର ବାବାଜୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏବଂ ସୁମେର ଦାସ ଜୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦାଟ ଇଜ୍ ଦ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିପିଲିକାର ପଦଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାଜେ ଏଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନ ଘଟୁଛି ସବୁକିଛି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମି ବିଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ବିଜ୍ଞାନର ସେଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜର ଋଷି ସଂଘରେ ମହାତ୍ମାମାନେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଯାହା ଆସୁଛି ପ୍ରେରଣା ହେଇକିରି ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ତାହା ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସେଠି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେଉଛି ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜ ଯାହା ହଉ ତ ଆମେ ମୋର କହିବାର କଥା ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ବସିଛେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସୂତ୍ର ଏଠି ତଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ ସେମିତିକା ଆମର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସବୁରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମଗ୍ର ଆମର ଗ୍ରହମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେମିତି ଗ୍ରହାଣୀପୁଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାଲାକ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେତେ କେତେ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂ ଭୁଅ ସୋ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ତଳ ଭିତଳ ଅତଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳାତଳ ଆମର ଯେତେଟା ସପ୍ତ ଭୂତଳ ଏବଂ ସପ୍ତ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ରହିଲା ଏ ସମଗ୍ର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ନିତ୍ୟ ଲୋକ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ସନ୍ଧାନ ସେ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ବିରାଜିତ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁଧାମ ସେଇ ସତ୍ୟଲୋକର ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଧାମ ସେଇ ଗୁରୁଧାମର ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ତୁମେମାନେ ମୋର ଲୀଳା ସହଚର ବା ପାର୍ଷଦ ସେଇ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ କୃପା କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସେବାଟା କେମିତି କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଆସନରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ସଂଘରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭକ୍ତ ମହାଭାବଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂଳରେ ରଖିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ରସଟା ପାଇବା ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହାଟା କରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି ପୁଅ ଥରେ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର କରୁ ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ସେଟା ଡେଭଲପ୍ କରିକି ତିଆରି ହେଇକିରି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ରହିଯାଏ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ବା ନ କରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଇଟା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ମା ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଦେହରକ୍ଷା ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ପରିସା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇକୁ ପୁଅକୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉର୍ଦ୍ଧାଗତି ହେବନି ହେବ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଲ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆଫ୍ଟର ହେଇଛି ଡେଥ୍ ବାହାର ଡେଥ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀଟା ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଥିବ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଥିବ ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଆମର ଯିବ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟି ସେଠି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବନି କି ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି ବଟ୍ ସେଇଟା ତିଆରି ହୁଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଇଟା କନଫର୍ମ କରୁଛି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପରଲୋକରେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ମନେ ପରେ ମନେ ପକାଇଦେବ ଏଠି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଏଠି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବନା କରିଥିବା ଏଠି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିଥିବା ଏଠି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଥିବା ଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଆମର ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଲ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରକାଳରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସହଜରେ ଠାକୁର ଆମ ହାତ ଧରିକି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେଉଁଟା ଗଠନ ହେଇଥିବ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ସେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ତାହା ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମର ଚାପ ଆହୁରି ତୁମର କାମନାର ଚାପ କାମନାର ବୋଝ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କେମିତି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କଳ୍ପତର ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କଲ୍ୟାଣକର ଆମ ପାଇଁ ସେ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମ ପ୍ରେମ ଯିଏ ଥିଲେ ହିମାଳୟର ଯୋଗୀ ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ହିମାଳୟନ ମାଷ୍ଟର୍ସର ଲେଖକ
हिमालय साधु से गुरु जीक दिखती से फरेन क्या पिंधे टोपी फरेनर टोपी फरेनर ड्रेस आसिले से पिंधे फरेनर चपला चपला आसिले पिंधे भारी लग्जरीयस साधु सीए कि डून कलेज स्टूडेंट वेरी गुड स्कॉलर बढ़िया बेस्ट स्कॉलर से थे कि जहाँ गुरु दिखते से फरेन जिस कि पिंधे भारी सौक था से आसी विदेश में वेदांत प्रचार करने कि कहते सब कौन गुरु को मागमी गुरुदेव पैसा दिंतु टोपी किणवि गुरुदेव पैसा दिंतु जामा किणवि गुरुदेव पैसा दिंतु भल बुटा किणवि लाज माड़े तेणु से चिंता कले मुझे गोटे भल स्कॉलर मुझे जाऊँ गोटे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चाकरी मिलगले मुझे पल से चिंता करके गुरु को नजण गुरु को प्रणाम करके से पल गोटे प्रोफेसर पोस्ट पाई जा जॉइन करें अंतर्जामी गुरु जापारे जिते बड़े स्वामी राम जा प्रणाम करते गुरुदेव को हिमालय साधु सन्त जड़े लेंगुटीधारी बाबा सीए हिमालय सीता महापुरुष प्रणाम करती गुरुदेवता कहूँ आरे राम जा तो ये आश्रम तू जो गुंफार अवस्थान करुचु आ पछपटे आ गोटे छोटिया मुंडिया पहाड़े अच्छी बुले आसबू जिते गुरु निर्देश मानिक स्वामी राम जिते जाती से मुंडिया पहाड़ पाख को देखिले मणि माणिक हीरा नीला सुना सब झकमक कर गोटे छोटिया पहाड़े ये आश्चर्य हो बुझिपारे ये कि रहस्य आसिक गुरुदेव पाखे पहुँचिक प्रणाम कले से बुझिपारे चेतना उद्रेक है जो गुरुदेव पाखे एत धन सम्पत्ति अच्छी एत प्राचुर्य भरपूर अच्छी से चाहिए सबकिे कि जी मागुच्छे मत सीमित भाव में दौर कहीं मोर जी आवश्यक से मतलब से जी मोर कल्याणकर मत से दौरानी सीता से लिविंग हुई हिमालयन मास्टर्स हिमालय जोगी मान गहण से ओडिया अनुवाद होती से बहटी देखिए से लिखित अच्छे से उल्लेख करंत्र ज्ञान जोग प्रेम चतुर्विद साधन सिद्ध महापुरुष स्वामी नेगवानंद परमहंस सरस्वतीदेव गोटे गुंफा से हिमालय आविष्कार कर ठाकुर विषय से बहरे उल्लेख अच्छी इंग्लीश रईटा ओन लेखा ओडिया अनुवाद होती बेंगलोर भी अनुवाद होती है देखिए से मोर कह कथा ठाकुर केहस्य के साधनार कथा केुप्त कथा आम जाने जो ठाकुर साधना कला बेले पंख खाऊ उपवास रही थे तंत्र साधना जोग साधना समय शरीर के क्षीण था ठाकुर कहाँपाई आमरी माना आम आज वयस समय टे भल खाइबा नमें के ये करे कि आमपाई से केग करते के कष्ट स्वीकार से करते से जो गुप्त जिनस रही कौन मान प्रकाश है एपर्तंत अनेक रहस्य ठाकुर साधना जीवन ठाकुर सब किसी प्रकाश कर प्रकाश करना आउ गोटे कथा आम ठाकुर सर्वशेष कथा महाराज कहीकि बक्तव्य साहब करुच्चे जिते बड़े ठाकुर पाखु आसुचे निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं आम ठाकुर पाक आसवा दरकार से लक्ष्यटी एकम्र हवा दरकार जोटा कि केवल ठाकुर को आम कमी उपलब्धि करवा से बनवाई जिते बड़े निराश गोटे ठाकुर पचार ठाकुर आप उत्कल एत वर्ष रही है मुझे प्रचार करने चाहे ठाकुर कहले ना जो मान प्राण मोपाई कांद से केवल मो निकट को मो निकट को आणव तेणु आम प्राण कांद अवस्था ठाकुर पाक आसे तो जदि प्राण कांद अवस्था ठाकुर पाक आसवा तेल आम भितर के आदर्श गृह जीवन गठन में केवल त्रुटि हेनी संगे आसे भाई भाई भितर प्रेम पीतर बंधन ही रही है जदि से लक्ष्य नहीं आम आसी मोर सर्वशेष गोटे कथ मन पड़ी जदि कामना बासना नहीं गुरु निकट को आसू कौन क्षति हे जिते श्यामाचरण लहाड़ी दीक्षा नापी गले हिमालय को गुरु महाभारत बाबाजी दीक्षा देवे दीक्षा देवा समय कहे बेटा टे बसी जा स्नान करके आसिले बसईदे हिमालय गोटे गुंपा मस्तक स्पर्श करदे स्पर्श करा मात्र श्यामाचरण लहड़ी ध्यानस्थ होती हटात देखुं गोटे सुंदर विराट कोठागर या सुंदर पुष्प उद्यान होती सुंदर रमणी मैंने सब अच्छा सुंदर भोजन खायापे मिलूँ भोजन खाई सारिक विश्राम कर सुंदर स्त्री आसी पदसेवा करदेव निद्रा भंग हो कि समय बहुत समय अतिक्रांत होगा देखुं कि जितेबाला हटात ना चेतना फेरी से जो गुंफा बस ध्यानस्थ से ही गुंफा गुरुदेव सामने ढड़ा होती पचारे गुरुदेव ये कि अवस्था ना रे तोर सूक्ष्म तू तो गृहस्थ थू तोर से रेलवे चाकरी करते श्यामाचरण लहड़ी कहे तोर तू तो गृहस्थ थू तोर गोटे इच्छा था कामना था जे तू गोटे विराट कोठाघर टे कर कोठाघर बहुत करके सुंदर स्त्री टे आणबु पिला छुआ करू संसार करू तोर इच्छा टे तोर जो सूक्ष्म बासना था से सूक्ष्म बासना बीज आकार तोर सूक्ष्म शरीर थिला से ही अवस्था रे तते जदि मुझे दीक्षा महादीक्षा प्रदान करी क्रिया जोर दीक्षा ताहले सेटा विक्रिया करी थांदा सेटा क्रियाशील हो न था तेणु सूक्ष्म तोर ये जो कामनाटे को पूर्ति करने पूर्ण करने मुझे तेत सूक्ष्म भाव में सृष्टि करी गृह और सुंदर उद्यान सुंदर रमणी सृष्टि करी तोर ये भोग बासनाटा को क्षय करने
ଏଇ ଭୋଗ ବାସନା ତୋର କ୍ଷୟ ହେଲା ପରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର ହେଲୁ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଜବ ତତ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ବାସନା ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏକମାତ୍ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା, ମନ୍ତ୍ରଟି ନେବା, ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସୁଧ ଆଧାରରେ ଠାକୁର ଫୁଟି ଉଠିବେ। ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା ବାସନା ଧରିକି ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛେ, ଆମେ ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସାଧନା ନ କରିବା, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠାକୁର କୃପାମୟ ଦୟାକରି ଆସିଛନ୍ତି ଅଧପଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସାଧନା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛେ, ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛେ, ଜୟଗୁରୁ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ପାରିବାନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଶୁଭ ଭାବନା ନେଇକରି ଏ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଆମେ ଗୃହକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ତମାମ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠାରେ କାନ୍ଦିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।